नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको बटर कुकीज़। बटर कुकीज़ बहुत ही इजी तरीके से बनती हैं, सिंपल है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बटर कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। बटर कुकी बनाने के लिए अभी हम डो बनाते हैं। मैंने आधा कप बटर लिया है, चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब दोनों चीज़ों को हम बीट कर लेंगे। दोस्तों, ये कुकीज़ बहुत बढ़िया बनती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ये मैंने आधा कप आइसिंग शुगर लिया है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आधा कप घर की पीसी हुई चीनी के अंदर एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के भी आप ले सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर क्रीमी हो गया है। अभी मैं इसमें एक कप मैदा डाल रही हूँ और अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। एक चम्मच दूध डाल के मैं इसका आटा गूंद लेती हूँ। आप धीरे धीरे करके दूध डालिए, ज़्यादा दूध एक साथ में मत डालिए, नहीं तो आटा बहुत ही गीला हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से गूंद लिया है। आटा गूंद के तैयार है। अभी मैं इसे रेस्ट होने के लिए फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं डो को फ्रीजर से निकाल रही हूँ। हमारा डो बिल्कुल रेडी है। मैंने बटर पेपर लिया है, उस पे इसको निकाल लेते हैं। हमने बटर कुकीज़ में बहुत सारा बटर डाला है, जिसकी वजह से इसको फ्रीज़र में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा डो रेडी हुआ है। हल्का सा मैदा छिड़क के अभी हम इसको रोल कर लेंगे। ज़्यादा बटर डालने की वजह से इसकी सब साइड्स फटने लगेगी, तो आप ऐसे दबा दीजिए उनको। रोल करने के बाद में मैंने एक एक कटर लिया है, जिसको हम पहले मैदे में ऐसे कोट करेंगे और फिर कुकीज़ को काट लेंगे। सारे कुकीज़ को हमने काट लिया है। अभी हम एक्स्ट्रा जो है डो उसको निकाल लेते हैं और बहुत ही संभाल के हम इस कुकी को बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेंगे। सारे बटर कुकीज़ को हमने बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिया है। अभी मैं इसे बेक होने के लिए अवन में रख रही हूँ। 180 डिग्री के ऊपर हम इसको करीबन 30 से 35 मिनट तक इसको बेक करेंगे। मैंने अवन को 180 डिग्री के ऊपर ही 10 से 12 मिनट प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। मैंने कुकीज़ को अवन में से निकाल लिया है और ये बहुत ही गर्म है। अभी हम इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी ये कुकीज़ को मैं कैसे सर्व करती हूँ। हमारी कुकीज़ सारी ठंडी हो चुकी है। मैंने डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और इसे मैंने कोन में भर लिया है। अभी हम इसे कुकी पे ड्रिजल करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी कुकीज़ ऐसे ही सर्व करती हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से। अगर आप ये चॉकलेट नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए, आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। चॉकलेट ड्रिजल करने के बाद में इसमें इसके ऊपर हम चॉप्ड पिस्ता डालेंगे। हमारी बटर कुकीज़ बनके तैयार है।